हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब सुबह सुबह नहाते हो तो चेहरा एकदम ग्लो करने लगता है सुबह के नहाने से। लेट नहाओगे तो उतना ग्लो नहीं आएगा जितना आप सुबह सुबह नहाओगे तो आएगा। और यहाँ पर एक क्रीम भी इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मेरा चेहरा एकदम बढ़िया एकदम निखर कर आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये गाना है ना, मेरे चेहरे से तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको दवाई बताती हूँ जो मैंने बनाई थी पेड़ के लिए। यह है इनो, ये सरफ का पैकेट, और ये शैम्पू, और ये हमारा तेल। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर मैंने एक देसी इलाज बनाया है जो मैंने यूट्यूब पर चेक किया था। जो पेड़ रखते हैं ना और दवाई डालते हैं, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी और बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। और जो है आराम भी इतना अच्छा हो गया कि हमारा जो पेड़ है ना वो एकदम बढ़िया हो गया। तो देखिए, एक बार की दवाई डालने से। और ये है पानी, तो आप इतना पानी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी बाल्टी में ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ बड़ा है तो जो है दवाई के लिए पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनको डालना। और मैंने पिछली बार भी यही वाली इस्तेमाल की थी और अब भी इसी को करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जिसके जो बाहर से दवाई नहीं लग पाएगा तो वो ये वाली इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज़ें तो सबके घर पे होती है, तेल होता है, इनो होती है, शैम्पू होता है, और जो है सर्फ होता है। थोड़ा थोड़ा सारा डालेंगे और देसी इलाज हो जाएगा तैयार पेड़ों के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए। और ये पेड़ इतना भारी था, इसे भी सुखा दिया है। और देख सकते हैं, हमने डाली सारी कटिंग कर दी है और ये पतली पतली पत्ती बची है, यानी कि अगर कीड़ा लग जाए तो किसी भी पेड़ को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी दवाई बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये है एक चम्मच के करीब शैम्पू, तो ये है सरफ एक चम्मच के करीब, ये सरफ है, ये है शैम्पू। तो यहाँ पर हमने आधा शैम्पू डाल दिया है। इसमें डालेंगे जो है थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और एक चम्मच के करीब डालें, तो ये हमने एक चम्मच के करीब तेल डालेंगे इनो। इनो का पूरा पैकेट घोल देंगे इसमें और बहुत बढ़िया दवा तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमारी दवाई एकदम तैयार हो गई है बढ़िया। और चलिए फ्रेंड्स, इस पे छिड़केंगे और 6:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप शाम को भी दवा डाल सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा पेड़ों को। यहाँ पर देखिए, हमारे पेड़ की दवाई बना दी है हमने और दवाई ये दी बाल्टी में, ये देखिए ना, इस बाल्टी में दवा बनाकर रख दी है। और जो है मोल की भी आती है दुकान पे से ला कर आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर घर की दवाई पसंद है। तो यहाँ पर मैं जब भी लगाती हूँ तो पेड़ पर दवाई बनाकर ही लगाती हूँ यूट्यूब पर चेक करके। तो मुझे दवा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने जो हमारे पास हमें लगाई है देसी वाली। और इस पे से आप पत्ते भी तोड़ सकते हैं, फूल भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के फूल मैं खा भी लेती हूँ कच्चे, क्योंकि वो दवाई के रूप में होते हैं, सभी खाते हैं और बताए भी हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहाँ पर दवाई डालना और पेड़ एकदम परफेक्ट और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जब थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो जो है आपकी मेहनत निखर कर भी आएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। और इधर जो है यहाँ चाय नाश्ता हो गया है अच्छे से और ये जा रहे हैं अपने ऑफिस। तो फ्रेंड्स, मेरे पास शाम का टाइम नहीं था इसलिए मैंने सुबह ही दवाई डाल दी, आप शाम को भी डाल सकते हैं। और ये वाला पेस्ट बना लिया है, ये देखिए मैंने इस बोतल में भर लिया है। और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी दीमक लग रही है, और थोड़ा सा हमने ध्यान जो है लेट दिया है अपने पेड़ पर, तो इसलिए दीमक बहुत ज़्यादा हो गई, देख सकते हैं। और ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। और इस पर इतने सारे गुड़हल के फूल लगे थे, वो सब जो है अब आने बंद हो गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पेड़ में दीमक अच्छी तरह बिल्कुल पेड़ को घेर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दीमक लग रही है ना, ये देखिए आप दीमक देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद एकदम। और अब ये दीमक बिल्कुल शुरू में ही लग रही है जहाँ पर जो है बीज लग रहे हैं। तो दिखाती हूँ आपको ये वाले स्प्रे करके, और देखिए साथ के साथ जो है ये निकल रही है। और ये वाला जो है मैंने वीडियो नेट पर चेक किया था और जब देखा था, तो देखिए साथ के साथ निकल रहे हैं जब हम डाल रहे हैं, यानी पानी को साथ के साथ डाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ये सफ़ेद वाले कीड़े हैं ये निकल कर नीचे गिर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये दवाई अच्छी है। एक हाथ में कैमरा ले रखा है मैंने, एक हाथ में मैं जो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए नीचे नीचे यहाँ पर कीड़े गिर चुके हैं, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद कीड़े, ये
जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये वाले, ये सफ़ेद सफ़ेद ये कीड़े हैं जो नीचे गिर रहे हैं पेड़ पर से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे पेड़ पर मैं दवाई छिड़क देती हूँ। और जो मैंने पहले दवाई छिड़की थी ना, उससे इतना ज़्यादा आराम नहीं हुआ है, और भी अभी रह रहे हैं यहाँ पर। यानी कि हमने दो बार डाल दी थी दवाई, और अब तीसरी बार डालेंगे। तो ये वाली दवाई बना दी है इसमें। तो फ्रेंड्स, सरसों का तेल, इनो और सरफ और शैम्पू हो गया है, पानी तैयार, दवाई हमारी बन गई है। और वाकई में ही बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि जब हम दवाई में ये जो हमारी लग रही है ना, ये फंगस, ये देखिए, ये तो ये बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ध्यान लेट दिया था पहले, मतलब कि ऐसे ही चली जाएगी, लेकिन ना, ऐसे नहीं जा पा रही है। और देख सकते हैं ये वाली डाली बिल्कुल जो है सुखा दी है, और मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मेरा पेड़ सूख जाएगा तो मेरे गुड़हल के फूल का पेड़ खराब हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और देख सकते हैं वो वाली डाली तो बिल्कुल सूख गई है, क्योंकि थोड़ा ऊपर हाथ कम जाता है दवाई डालने के लिए, तो उसी पे से आई है सारे में नीचे। यानी कि पहले हमने नीचे डाल दी थी, ऊपर भी डाल दी थी, लेकिन मग्घे से डाली थी हमने। ऐसे स्प्रे करके डालना चाहिए, और स्प्रे के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पर डाल सकें। ये है हमारे पास, तो इससे एक ही, मतलब एक ही हॉल है इसमें, तो एक से ज़्यादा नहीं निकल पाएगी। जिसमें बहुत सारे हॉल होते हैं ना, वो वाला चाहिए, अब वो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जैसे डाल रही ना, तो ये बहुत जल्दी निकल रही है। नहीं तो पिछली बार जो डाली थी ना, तो उसमें हमने ऐसे ही मग्घे से डाल दिया था, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं जा पाई। और ऊपर वाली तो बहुत कम गई, इसी की वजह, ऊपर की वजह से ही ये नीचे धीरे 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 फिर से लगने लगी। यानी आराम हो गया था पहले, और बढ़िया हो गया था पेड़, लेकिन ऊपर जो लग रही थी ना थोड़ी सी, उस थोड़ी सी से ये फिर से नीचे आ गई है। तो दो बार दवाई डाली थी, अब के हम तीसरी बार डाल रहे हैं, और मैं डालती रहूंगी जब तक मेरा पेड़ अच्छे से बढ़िया ना हो जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, और आप भी अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखिए। और देखिए इसकी वजह से ना, इस पर भी लग गई है, ये पेड़ भी बिल्कुल सुखा दिया इसने। तो देखिए, मतलब गुड़हल के पेड़ पे से यहाँ तक भी आ गए हैं, तो इसलिए कहीं और दवा, मतलब फंगस ना लग जाए। ये सफ़ेद वाली जो कीड़े हैं, पता नहीं कैसे कीड़े हैं ये। और चलिए फ्रेंड्स, इन्हें दवाई लगा देती हूँ, और अपने पेड़ को भी बचाऊंगी, और जब आपको वीडियो में दिखेगा अगर ये बच जाएगा तो। तो फ्रेंड्स, ये वाली डाली आप देख रहे हैं, कितनी सारी फंगस लग रही है इसमें, सफ़ेद वाली, ये देख सकते हैं, फोकस कर दिया है मैंने, और देख सकते हैं बहुत सारी जो है यहाँ पर कीड़े हैं सफ़ेद वाले, कितने सारे। भगवान, क्या पेड़ की ज़िंदगी नरक बना देते हैं ये पौधे। ये देखिए कितने सारे, अब इस पर छुटाऊंगी मैं, देखो इस पर छुटाऊंगी ना मैं, देखते रहे ऐसे, देखते रहे ना, तो ये बिल्कुल देख नीचे टपक रहे हैं कीड़े। ये वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही मुझे, देखो इस तरह मैं छुटा रही हूँ, और ये नीचे गिर रहे हैं कीड़े, यानी कमज़ोर पड़ रहे हैं ये। जब आप लग रहे हैं ना आपको, बिल्कुल आधे से ज़्यादा चले गए, बिल्कुल भरा पड़ा है ये। और इसमें हमने अब हो गए ना कम, इस डाली पे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इस डाली पे और स्प्रे मार दूँ, क्योंकि जो है ना काम तो ज़िंदगी भर के हैं, ख़त्म ही नहीं होते घर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ पौधे की भी ज़रूरत होती है, और जब आप पूजा में फूल इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर भी जो है, जब आप फूल चढ़ाते हो तो कितनी तसल्ली मिलती है। तो ये पेड़ पौधे ही हमें फूल देते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि जब आप कोई भी दवाई बता रहे हो, और इसे घोल कर भी दिखाऊँगी आपको, और देख सकते हैं यहाँ पर हट रहे हैं भाई बहुत, ये देखिए, और नीचे, ये देखिए नीचे कीड़े हैं कितने सारे, ये देखिए आप देखते हैं ना कीड़े, ये क्या कीड़े हैं देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे में दवाई लगा देते हैं, और सारे में, और इस पे आप पे देखिए, इस डाल पे कितनी सारी थी ना, बिल्कुल कम हो गई है। तो इसमें टाइम लगेगा दवाई में, तो चलिए फ्रेंड्स दवाई डाल लेती हूँ, क्योंकि टाइम लगने वाला है बहुत सारा। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी गुड़हल के पेड़ में दवाई लगा कर आई हूँ, और 6:30 बजे हैं, तो आज मैंने जो बखत ही पेड़ में दवाई लगा दी है, क्योंकि धूप के लिए मना कर रहे थे लगाने के लिए, चाहे तो आप शाम को लगाओ
चार सुबह को लगाओ बखत, तो मैंने जो है शाम को नहीं लगा पाई तो सुबह लगा दी है मैंने यहाँ पर दवाई। और मैंने अच्छे से अपने हाथ साफ़ कर लिए साबुन से, और यहाँ पर बना रही हूँ चीला, और मैंने घोल बना दिया है पहले ही, और घोल में बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, बेसन के घोल में मैंने प्याज डाला है, सारे मसाले डाल दिए हैं, और ये घोल जो है गाढ़ा सा तैयार कर दिया। और देखिए कितना टेस्टी हमारा चीला हो गया तैयार। तो आइए फ्रेंड्स, खाइए आप भी। हेलो एवरीवन, कैसे आप? आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सूती वाली चुनी डाल रखी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पसीना हो जाता है, तो इससे पूछ सकते हैं हम और रिलैक्स फील हो जाता है। और इधर मैंने बना रखे चीले, चाय के साथ बच्चों के लिए बनाए चीले, और हम भी खाएंगे। मैंने नहा लिए हैं और यहाँ पर जल लगा दिया है, और ये देखिए हमारा करारा करारा चीला। तो देखिए मेरे लिए चीला है, मैं और तनिषा खाएंगे। तनिषा ने दो पैदे खा लिए हैं सुबह चाय के साथ, क्योंकि तनिषा के पापा खाकर गए थे, और जो है अब विवेक और प्रशांत ने खा लिए हैं, और मैं रह गई हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं भी खाऊंगी। तो एक चीला मैंने अपने लिए बना लिया है, और दो तनिषा ने खा लिए, प्रशांत ने खा लिए, विवेक ने खा लिए, दो तनिषा के पापा खाकर चले गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से नाश्ता हो गया है चाय के साथ। मैं तो नहाकर जो है पहले नहाने से पहले चाय पी लेती, पहले ग्लास पानी पीती हूँ, उसके बाद जो है चाय पीती हूँ, और नहाने के बाद जल लगाती हूँ, क्योंकि भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, उन्होंने ही दिया है जो दिया है, तो उन्हीं की माया है, उन्हीं की कृपा है। तो भगवान की कृपा है और उन पर श्रद्धा रखोगे तो देखिए सब काम अधूरे हो जाते हैं पूरे, जब आप मन में जो है श्रद्धा रखोगे भगवान के लिए। तो 5 मिनट भगवान जी की पूजा के लिए निकाले, या जल लगाने के लिए निकाले, यानी सूरज देवता को जल लगा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जल लगा दिया है और मेरा चीला भी रेडी है, तो चलिए खा लेते हैं नाश्ते में। और फ्रेंड्स, आप भी आइए मेरे हाथ का चीला खाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी जो है पास्ता बनाने की तैयारी हो गई है। तो ये सामान कट गए हैं, और जो है यहाँ पर पास्ता भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पास्ता भी बनेगा, और देखिए रसोई में जब आप काम करते हो तो सामान तो फैल ही जाते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, तो सुबह खाना बनता है, दोपहर को भी बनता है, और शाम को भी बनेगा। तो छुट्टी पड़ गई है तो बच्चों का भी ध्यान रखना, खाना भी टाइम से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना चीला ले लिया है, और प्रशांत अपना चीला खा रहा है, विवेक ने खा लिया है, उधर बैठा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी खा लेती हूँ। लाइट हमने बंद कर रखी है, क्योंकि गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो लाइट का उजाला भी जो है गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर लाइट बंद कर दी है और रिलैक्स बैठे हैं, पंखा देखिए चला रखा है, क्योंकि गर्मी में पंखा बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद, और पास्ता भी दिखाऊँगी आपको कैसा बना है हमारा पास्ता। और ये स्किन देख रहे हैं ना मेरी, मैं एक जो है ट्यूब लगाती हूँ, यानी क्रीम, जिससे मेरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरा, देखिए ये जो यहाँ पर देखिए इस तरह आप ऐसा सॉफ्ट एकदम बढ़िया, तो मेरा एकदम क्रीमी क्रीमी चेहरा हो रहा है और बिल्कुल निखर रहा है उस क्रीम से। और 120 रुपए की आती है, ज़्यादा की नहीं आती है। फेशियल ब्लीच ये सब बेकार है उस ट्यूब के सामने, यानी उस क्रीम के सामने, मैं ट्यूब बोल रही हूँ लेकिन उस क्रीम के सामने 120 रुपए में भी देखिए कितने सारे हमारे फ़ायदे। तो चेहरा आपका ग्लो देख रहे होंगे, पहले मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं जिसमें इतना ग्लो नहीं आया था जितना इन वीडियो में आ रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, और मैंने आपसे ये बातें भी शेयर की, उसके लिए आप हमारी फैमिली हो, इसीलिए मैं आपसे इतनी बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पास्ते कैसे रोल करके खाएंगे ना, चटनी डाल दी मैंने इसमें, चटनी किसकी है, आंबे की चटनी, आंबे की चटनी डालकर इसे रोल कर मैंने खा रही हूँ, तो वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है। प्याज, सारे मसाले, बेसन डालकर कितना सुंदर लगता है, कितना बढ़िया लगता है टेस्टी हमारा जो है चीला। और बेसन के चीले से मुझे पहले से ही पसंद है, मैं हमेशा से दूसरे तीसरे दिन बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है चीला, आप भी ट्राई कर देखें, और किसी दिन आपको सारे सामान डालकर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बताया था कि पास्ते की तैयारी हो रही है, यहाँ पर हमने लहसुन, प्याज, टमाटर और जो है सारे मसाले डाल दिए हैं, और ये हमारा उबला हुआ पास्ता। तो हमने से अपने पास्ता को उबाल लिया अच्छे से, और यहाँ पर हमने जाली में रख रखा है, और एकदम खिला खिला पास्ता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला पास्ता। फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं, और हमारे मसाले भी रेडी हो गए हैं बनकर, यानी छौंक कर, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है हमने पानी, ताकि हमारी जो है ये आपस में सारी ग्रेवी घुल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, और इसी तरह पास्ता आप भी खा सकते हैं टेस्टी टेस्टी बनाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा खिला खिला टेस्टी टेस्टी पास्ता, तो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना एकदम खिला हुआ।
टेस्टी लग रहा है हमारा ये पास्ता। तो फ्रेंड्स ये प्रशांत का दोस्त बैठा है, इसके लिए भी घाल दिया और प्रशांत के लिए भी घाल दिया है। सीन इतनी सफारी है, ये विवेक खा रहा है और इधर चल रहा हमारा टीवी, वाग लेगी दुनिया। तो फ्रेंड्स हमने 11 बजे बनाए थे पास्ते और अब बज रहे हैं 3:30, चाय का टाइम हो रहा है, बच्चे लेट रहे हैं और यहाँ पर जो है हम करेंगे अब पोहा की तैयारी। और पोहे के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर काट लिए हैं और चलिए करते हैं तैयारी पोहा बनाने की। पहले पोहे को भिगो लेंगे पानी में और फिर साथ के साथ निकाल लेंगे जाली में, और ये हमारे सारे मसाले और ये हमारा भीगा हुआ पोहा। पोहे को ज़्यादा देर ना भिगोएं, साथ के साथ जो है भिगोकर पानी से निकाल लें बाहर। यहाँ पर हमारे मसाले सारे रेडी हो गए हैं और चलिए फ्रेंड्स पोहे को भी डाल देते हैं और बहुत ही टेस्टी पोहे बने। और इसमें अगर आप चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, हमें मूंगफली कम पसंद है इसलिए हमने नहीं डाली है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए हमारा एकदम खिला खिला टेस्टी पोहा। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी, जब पास्ता बन जाए तो नींबू डालना ना भूलें, बहुत ही टेस्टी लगता है नींबू डालकर एकदम खट्टा मीठा पोहा। तो पोहा रेडी फ्रेंड्स, आइए आप भी खाइए हमारे हाथ का ये पोहा। तो फ्रेंड्स घर के कितने सारे काम होते हैं लेकिन सबसे जरूरी होता है खाना टाइम से बनाना और बच्चों को खिलाना, तो हमने वही कर दिया है और बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो फ्रेंड्स 3:30 बजे हमने चाय के साथ जो है पोहा खाया था और आज तो जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन बन गया है। और अब बनाई है हमने यहाँ पर रायता नुगदी का और चटनी बनाई है लहसुन की और छुकी हुई मिर्च है और गरम गरम रोटियाँ, और ये भी आ गए हैं तो खाना लगा दिया है, बच्चे भी खा रहे हम भी खा रहे। तो आइए फ्रेंड्स आप भी खाइए हमारे साथ ये टेस्टी खाना और मिलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स गर्मी के दिनों में दिन लंबे हो जाते हैं तो खाना 2-3 टाइम बन ही जाता है और यहाँ पर खाना हमारा शाम का हो गया रेडी। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।